पेश है गुड मॉर्निंग जेएनके। आगाज हमारे कामों का है नाम से तेरे जगदाता, आगाज हमारे कामों का है नाम से तेरे जगदाता, तू रहमो करम का सर चश्मा है फैज तेरा ही लहराता। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर दिन की तरह आज भी हमारे लबों पर आपके लिए यही दुआ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, खुरम रहें और अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ इसी तरह जुड़े रहें। आज जुमेरात है, सितंबर के महीने की 7 तारीख 1445 हिजरी के सफरुल मुजफ्फर की आज 20 तारीख है। आज एक बहुत अहम दिन है और इस दिन के ताल्लुक से प्रोग्राम में आगे बात जरूर होंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन में कुछ जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं दिनों की अहमियत और अफादियत के ताल्लुक से। तो आपको बता दें कि आज भगवान श्री कृष्ण की पैदाइश का दिन है और इस दिन को इनके चाहने वाले, इनका अकीदा रखने वाले न सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क के बाहर भी जन्म अष्टमी के तौर मनाते हैं। तो जन्म अष्टमी के मुकद्दस त्यौहार की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो ये दिन है ये लोगों में मोहब्बत और परहेजगारी के जज्बे को दुबाला करता है। तो इस दिन के हवाले से, इस दिन की अहमियत के ताल्लुक से, इस दिन के पस मंजर के बारे में बहुत बातें होंगी प्रोग्राम में आगे। लेकिन प्रोग्राम जब शुरू होता है तो सबसे पहले आप इस इंतजार में होते हैं कि आप तक हम अपडेट्स पहुंचाएं मौसम के हवाले से, शहराओं के ताल्लुक से और किसी मौजू को भी हम छेड़ लेते हैं प्रोग्राम के आगाज में जिस पर बात होती है, गुफ्त शनीद होती है दोनों एंकर पर्सन्स के दरमियान। तो आज का टॉपिक क्या होगा उस बारे में मुझे तो खैर फिलहाल पता नहीं है, उस बारे में हम जानेंगे हुमैरा से। कैसी है हुमैरा? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। तो बताइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइएगा कि किस मौजू का आपने आज इंतखाब किया, किस पर हम बात कर रहे हैं? जी हम आज अब बुक डे पे बात करेंगे क्योंकि इट्स अ बुक डे। जी लेकिन बिफोर दैट आई एम गोना इंटरेक्ट विद व्यूअर्स। श्योर श्योर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के में। करते हैं नाजरीन, उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, मजे में होंगे। नाजरीन सबसे पहले मेरी तरफ से भी तमाम जितने भी हिंदू भाई बहन अभी हमें देख रहे हैं लाइव टेलीविजन स्क्रीन्स पर, आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे अजहर बता ही चुके हैं कि आज नेशनल बाय अ बुक डे है। नाजरीन आपने भी देखा होगा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल एज की आने की वजह से किताबें पढ़ने और किताबें खरीदने में काफी कमी आ गई है। लेकिन अजहर अच्छी बात यह है कि रिसर्चर्स का ये मानना है, उनके मुताबिक इंटरनेट के मुकाबले में किताबें पढ़ने के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि हमारी जो वोकैबुलरी है नाजरीन और जो हमारी मेमोरी है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आ जाती है किताबें पढ़ने से, और साथ ही साथ हमारा जो दिमाग है वो भी दिन ब दिन और ज्यादा बेहतर होता है किताबें पढ़ने की वजह से। राइट गुलजार हिंदुस्तान के बड़े मशहूर मारूफ लिरिसिस्ट हैं और शायर हैं, उनकी एक मशहूर नज्म है किताबों के हवाले से कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। जी। तो हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं आज के दौर में जब इस किस्म के दिन मनाए जाते हैं तो कोशिश यही रहती है कि बच्चों को, नौजवानों को खासकर आगाह किया जाए कि किताबों की कितनी अहमियत है, अफादियत है। हालांकि हम सुनते आए हैं बचपन से ही कि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है, लेकिन इस दोस्त के साथ क्या हमने दोस्ताना ताल्लुकात कायम दायम रखे हैं या नहीं रखे हैं,
ये सोचने लायक बात है। हकीकत यह है कि आजकल के दौर में हम इसके साथ इतने मसरूफ हो गए हैं कि किताबें हाथ में उठाना हम भूल गए हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान हैं। और चूंकि प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम बात करते हैं, उनके तजुर्बात और मुशाहदात सुनने का मौका मिलता है। और आज तक का ये मेरा तजुर्बा है, मैं अभी इस प्रोग्राम के साथ तकरीबन 10-11 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जितनी भी बड़ी शख्सियात है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, आला मकाम हासिल किया है, वो ये कहते हैं कि किताबों के साथ ताल्लुक कायम रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों हमें ये बात समझ आती नहीं है, हम फिर भी अननेसेसरली मोबाइल फोन पर और दूसरी ऐसी चीज़ों पर वक्त ज़ाया करते हैं जो हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। हम इसको ज़रूरत समझते हैं, ये ज़रूरत है, लेकिन जब ये नहीं था तब भी जिंदगी के मामूलात को हम चला पाते हैं। अब इस पर डिपेंडेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसके बगैर शायद आज के दौर में जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, बट उसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जो चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती थी उन चीजों को आप तर्क करें। और उसके बाद कुछ दिन कबल भी इस हवाले से बात हुई थी कि बच्चों से आप बड़े नाराज होते हैं, गिला शिकवा करते हैं कि आप कुतुबीनी की तरफ तवज्जो मरकूज नहीं करते, लेकिन ये तभी होगा जब आप उनके लिए रोल मॉडल बनेंगे, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो आप उनको करने की तरगीब बख्शते हैं। तो अगर घर में आप भी एक लाइब्रेरी कायम करेंगे तो बच्चे उस लाइब्रेरी में जब अंदर जाएंगे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई किताब हाथ में उठाएंगे। और कशिर पर्च बनानी और उतरते में यह कहावत प्रोग्राम में शेयर पन्ने नाजरीन से कॉकर तछान पूत हिचान, इसलिए सठा जरूरी ज अगर यहां सन बच त पन तम तब पर्न शौक कायम ग तम खुश जरूरी जोड करो पनस पानस मे शौक पद। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हमें अपने घरों में ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी जो किताबें पढ़ने का शौक है वो पैदा हो जाए। इसके साथ साथ आज हॉलिडे का दिन है अजहर, हमें वक्त निकाल के किसी लोकल बुक स्टोर पर जाना चाहिए, किताबें खरीदनी चाहिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे जो दोस्त हैं हम उन्हें भी गिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों को इंकरेज करें कि निसाब की किताबों के साथ साथ सिलेबस की किताबों के साथ साथ जो दूसरा लिटरेचर है वो भी पढ़े। जिस तरह आप उनके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करके खिलौने लाते हैं, खाने पीने की चीजें लाते हैं, तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं की। आज एक बड़ा अच्छा दिन है, शुरुआत करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक किताब भी लेके आया करेंगे। हफ्ते में अगर आप उनके लिए किताब लेके आते हैं, उनके सामने रहेगी तो उसे जरूर हाथ लगाएंगे, हाथ में उठाएंगे और पढ़ना भी शुरू करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, नाजरीन आगाज में इंतजार रहता है आपको मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी लेने का। बताना चाहेंगे सबसे पहले श्रीनगर के बारे में कि आज मौसम खुश्क ही रहेगा, वहीं अगर दर्जे हरारत की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 30, कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। शहराओं के हवाले से भी नाजरीन बताते चले कि नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी और छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है और SSG रोड पर भी छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। मजीद इतलात के लिए आप दिए गए नंबर जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी अभी दस्तियाब है उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी आज नाजरीन मुकदस दो रुत त्यौहार तो इस करो आज प्रोग्राम आगाज हना मुनफरद अंदाज तिकाज तुम जानान जले से इथन दोहन कत करान रवायत रूजम रलित मिलित बड़ दो मनावान अकस मुबारक दिवान अकस खुशियन में शामिल गान करो प्रोग्राम दसलाब आज लीलाए सत तो तम पे वापस तुम तो करो मुलाकात अजिक मेहमान सत तु रूज वुछान सोन तुंद अ सारे हूं पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। नंदलाल श्याम गोपाल शुभ मुन नंद
سارنی وچن والے ہنز بیک لٹ خوش آویت استقبال مسلمان گلوکارہ یہ سی لیلا پیش کران تیم چھ سانی تیم عظیم قدر یمن پٹھ فخر چھ مذہبی رواداری ہنز تیم مثال یم پور دنیا اس مز مشہور معروف چھ از کس مقدس دو کس موقع پر چھ اس ایکس خاص مہمان از دعوت اس سٹوڈیو اس مز آج ہمارے ساتھ ہیں پروگرام ہے ابھیمنیو داس جی آپ ہندو دھرم اور اس مذہب کی تعلیمات پر گہری نظر رکھتے ہیں آج کی اس مقدس دن کے موقع پر آپ تشریف فرما ہوئے آپ کا بہت بہت استقبال اور آج کے دن کی بہت بہت مبارک ہری کرشنا اوم اگیان تمران سے اگیان نشلکیائے چشری دم تسمائے شی گروے نمہ نمہ اوم وشنو پدائے کرشن پرشتائے بھوتلے شیمتی نو یونگندر سوامی اتنامی نمستے پربو پدے دیوے نام سنکیتن پرشاری نیر وشیش پاشتا دیش जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवदेवदादर शिवसदि गौरवक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे सभी धर्म प्रेमियों वैष्णव हरि भक्तों माता बालकों उसको इस आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां और खासकर आपके जो प्रोग्राम के व्यूअर्स हैं तो उसकी उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं जनाब बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी जाहिर सी बात है आज के दिन का तकाजा है कि इसके पस मंजर इसकी अहमियत पर हम बात करें उस पर ज़रूर बात होगी तफसीलात आपसे हासिल करेंगे लेकिन चूंकि पहली मरतबा आज आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं तो इस प्रोग्राम में जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं उनका बड़ा ये तकाजा रहता है कि अपने मेहमान से पूछा करें उनके इंट्रोडक्शन के तौर पर कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का जो सिलसिला है तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें बता दें आपका ताल्लुक कहाँ से तो बेसिकली तो मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं से हूँ यूनिवर्सिटी में मैं तो यहीं से तालीम हुई यहीं से हमारी पढ़ाई हुई है नेशनल स्कूल नेताजी स्कूल पहले प्राइमरी में थे फिर नेशनल स्कूल चले गए फिर कॉलेज वगैरह यहीं पर फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियर तो फिर इंजीनियरिंग करने के बाद फिर हम बाहर रहे हैं तो कभी प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं कभी मल्टीनेशनल कंपनीज में रहे अच्छा, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज में रहे जिसमें बिरलास के साथ भी रहे काफ़ी 12 साल मल्टीनेशनल कंपनीज में रहे तो उसके साथ साथ फिर ये भक्ति का तो ये सिलसिला चलता रहा साथ साथ तो धीरे धीरे भक्ति के उस सिलसिले के साथ साथ फिर हम इस कौन से जुड़ गए इस कौन से जुड़ने का विषय इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस है ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है तो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बारे में टीचिंग्स उनके बारे में बता देते हैं और ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का तो एक उद्देश्य है कि जो भगवान हमें अपने जो मनुष्य जीवन है ये हमें मिला है केवल भक्ति करने के लिए और इसका कोई उद्देश्य नहीं और हमारा जो उद्देश्य है जीवन में कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है तो मतलब एक हम आपस में प्रेम करेंगे तो हम तभी कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर लाइफ टू लव ईच अदर तो उससे तो है जो भगवान है स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं बहुत वही आज के दिन का भी उद्देश्य आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो प्रकट हुए हैं आज ये महत्वपूर्ण दिन है आज के दिन तो ये पूरे संसार में बिकॉज ये ऑल ओवर मोर देन 150-160 कंट्रीज में हम वर्ल्ड वाइड मनाते हैं आज का दिन जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव तो भारत के साथ साथ पूरे विदेश के 150 कंट्रीज में मनाया जाता है तो हर जगह आप देखिए कि यही संदेश है कि भगवान श्री कृष्ण की जो संदेश है कि उन्होंने कैसे प्रेम जो है आपस में हमें रहना है प्रेम के साथ रहना है और भक्ति कैसे करनी है वो हमें सिखाया कि भक्ति से ही मनु जी चूंकि तो जो कश्य पंडित बिरादरी से तोलुक था वन ये में दो के हवाल करो इस मजीद कहते मतलब आप क्या पस मंजर रिलीजियस बैकग्राउंड मगर प्रथ कुन त्यौहार अख समी पहलू तसान ये पे बट बरदरी हज कर ये बोर्ड दो तमी अनुमान मना पे पूर मुल्क मज या मुल्क नबर मना युक एहतमाम हना मुख्तलिफ ना बिल्कुल सेम अतः फर्क सेम एवरीथिंग इज सेम जब हम छोटे थे हम सदन लगे इसलिए सतम काल यह आज अष्टमी दो ब्रोश सतम सतमी अच्छा तो वन जन्म सतम अच्छा तो कश्मीरी जो बरादरी हमारी है कम्युनिटी पंडित तो वो जन्म अष्टमी की जगह पे जन्म सतम मनाते एक दिन पहले तो उसमें क्या होता था कि एक दिन पहले वनवास में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करते थे उस दिन फास्टिंग होती थी यहाँ पे पूरी झांकियां निकलती थी श्रीनगर में तो बहुत भव्य रूप से यहाँ पे बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था ये प्रोग्राम
तो अब आज के दौर पे हम ये अब इस्कॉन इंटरनेशनल जो ओवरऑल जो है बाहर जो लोग हैं तो जन्माष्टमी उसको मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है एक्चुअल में जन्माष्टमी को रात को हुआ है 12 बजे, तो इसलिए उसको जन्माष्टमी के रूप से मनाया जाता है। ओके सर, जन्माष्टमी की जो अहमियत है उसके बारे में थोड़ा बताइए और जो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड है उस पर रोशनी डालिए। तो जन्माष्टमी जो है ये बेसिकली भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के मौके पे सब मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही तैयारियां की जाती है, क्योंकि स्वयं जो मतलब हम सब कहें कि भगवान श्री कृष्ण वो एक सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड है जो मतलब सर्व जो तीनों लोगों के स्वामी है, तो उनके जो जब वो प्रकट होने वाले हैं तो जन्माष्टमी के दिन तो उनके जो स्वागत के लिए तो हर चीज मंदिरों को सजाया जाता है, फास्टिंग होती है। तो आज के दिन तो कई लोग तो निर्जला भी करते हैं, जो डू नॉट टेक एनी वाटर आल्सो, तो बिल्कुल टिल मिडनाइट, तो 12 बजे फिर वे फास्ट। आज आप भी फास्टिंग है, फास्टिंग तभी आपने चाय वगैरह सुबह से कुछ नहीं, तो वैसे भी चाय जो है जो छुड़ा देते हैं, हम चाय वगैरह नहीं लेते हैं। तो उसके साथ साथ जो है सुबह से ही, क्योंकि रात से ही एक्चुअली ये लोग उठ जाते हैं, इस दिन मंगल आरती होती है मिडनाइट में ही, यह तैयारी होती है। और ये इसकी तैयारी जन्माष्टमी की महीने भर से पहले ही होती है, स्पेशली इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस और भी जो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर वगैरह उनमें से ही ये पहले से ही तैयारियाँ हो जाती है, महीने भर से तैयारियाँ करते हैं, मंदिर को सजाना, मंदिर की जो सजावटें हैं तो डेकोरेशंस वगैरह होते हैं, फिर भगवान के लिए ड्रेसेस वगैरह बनाए जाते हैं, तो भगवान के सुंदर सुंदर विग्रहों के ऊपर वो ड्रेसेस सजाए जाते हैं, फूलों की जो होती है इनकी मालाएं वगैरह बनाई जाती हैं, और तरह तरह के जो होते हैं भोग मीन्स जो जो होते हैं ना डिशेज वगैरह होते हैं भगवान के जो अच्छा, रूप में भोग जो ऑफर किया जाता है उसकी भी तैयारी बहुत पहले से की जाती है। तो फिर इसके दिन जो सुबह जो हम आरंभ करते हैं मंगल आरती, तो मंगल आरती से फिर हमारा जो दिन होता है वो शुभ होता है। उसके साथ साथ फिर श्रृंगार दर्शन होते हैं भगवान के, बड़े सुंदर तरीके से बड़े सुंदर रूप से भगवान को सजाया जाता है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार होते हैं भगवान के। तो उसके बाद फिर कई एक्टिविटीज़ होती है आज के दिन, जैसे जैसे कीर्तन तो अराउंड द होल डे चलता रहता है मिड नाइट तक, आज बहुत ही एक महा जिसको हम कहेंगे कीर्तन रहता है, आरती महाआरती होती है, 56 बोर्ड जो होते हैं 56 टाइप के बोर्ड्स लगाए जाते हैं भगवान को, और उससे ज़्यादा भी कई जगह लगाते हैं, मथुरा वृंदावन में तो हमारी भव्य रूप से धूमधाम से मनाई जाती है। और उसके साथ साथ कंटिन्यू जो डिवोटीज जो हमारे हैं जो टांका लगा रहता है मंदिरों में, तो हर तरह से हर क्षेत्र से हर जगह, तो राउंड द वर्ल्ड तो ये पूरा सिलसिला चलता रहता है, कैसे सुबह मॉर्निंग 4:30 से लेके रात 12 बजे तक चलता है। तो फिर रात 12 बजे को फास्ट ब्रेक किया जाता है और फिर भगवान का अभिषेक भी किया जाता है, तो भगवान का अभिषेक बड़े सुंदर तरीके से पंचतत्व से किया जाता है, और उसके साथ साथ खूब सारे भजन कीर्तन चलता रहता है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए बहुत ही सबसे कैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारा, तो इसलिए हमें सभी इस दिन प्रसन्न होते हैं कि भगवान का जन्मदिन है, तो भगवान के जन्मदिन के लिए सभी नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है जीवन का वही है कि हमें कैसे भगवान को प्रसन्न करना है और भक्ति करना है, तो भक्ति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा हम इस जीवन में हमारा कोई और कोई है नहीं, कोई रोल मकसद एक है। जी अभी मनियो जी बहुत ही अहम बातें आपने कही, और इस बीच हमारी जानकारी में आपने इजाफा किया कि इस खास त्यौहार के मौके पर अक्सर लोग जो हैं फास्ट रखते हैं, तो आज इस दिन के एहतराम में हम भी जो है चाय वगैरह नहीं पीते हैं, क्योंकि जब हमारे गेस्ट नहीं पीते हैं तो हम कैसे पियेंगे। तो हाँ हमें ये बताइएगा कि जब हम किसी भी बड़ी शख्सियत का जिक्र करते हैं खासकर मुख्तलिफ मजहबी तालीमात के हवाले से, तो उससे जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं नस्लें होती हैं उनको सबक लेना होता है, उन्होंने जिंदगी में जो कुछ किया होता है वो उनके लिए एक राह को हमवार करने की चीज़ बन जाती है। हमें ये बताइएगा कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं उनकी कौन सी ऐसी तालीमात है जिन तालीमात की तरफ तवज्जो मरकूज करने के लिए आप जैसी शख्सियात हमारे नौजवानों को खासकर उन तक बात पहुंचाते हैं और दर्ज देते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वव्यापी है, तीनों लोगों के स्वामी है, सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड है, तो उन्होंने हमें स्वयं अपने मुखरविंद से हमें भगवद्गीता दी है, जो भगवान की गीत है, तो आज नहीं करोड़ों वर्ष पहले उन्होंने सूर्यदेव को बताया था। okay. उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र उन्होंने अपने पुत्र ऋषभकु, तो पर बीच में क्या हो गया, बीच में ये लुप्त हो गया था। okay. तो फिर दोबारा इसको भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज से 5000 वर्ष पहले दोबारा
अर्जुन अपने भक्त जो उनके थे उनको बताया था, क्योंकि उनके बीच में जो गैप हुआ था, फिर दोबारा ये धर्मशेत्र जब महाभारत का जो युद्ध होने वाला था तो उस टाइम फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये सुनाई थी भगवद्गीता। तो इसमें ये भगवद्गीता में सारी टीचिंग जो है भगवान ने जो मुखर से बताई है, तो उसमें सब कुछ बताया जाता है कि हमें क्या, हम क्या है हमारा जो है वजूद, क्या है वजूद, क्या किस लिए आए हम, हम एक आत्मा है बेसिकली, जो हम समझते हैं कि हम एक बॉडी है कि एक शरीर है, वो एक हम एक आत्मा है, जो हम किस लिए आए संसार में और हमारा उद्देश्य क्या है। हम इस संसार में केवल हम इंद्र तृप्ति करने नहीं आए हैं भौतिक विषय में, हाँ जैसे 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 देखिए हमारे पशु पक्षियों में भी फिर कोई अंतर ही नहीं है, पशु पक्षी भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वे भी सोते हैं हम भी सोते हैं, वह भी अपने आप को डिफेंड करते हैं हम भी अपने आप को डिफेंड करते हैं, पर भगवान ने और हमने एक ही अंतर रखा है कि उनमें जो बुद्धि है वो ऐसी नहीं है कि हम भगवान की इबादत कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की पूजा स्तुति कर सकते हैं, पर वो नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये जन्म मिला है 84 लाख यूनियन को पार करने के बाद, 84 लाख लिविंग एंटिटीज है उसका सारा कवर कर वो पार करने के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, केवल भक्ति करने के बाद, केवल भक्ति करने के लिए और कोई इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो जब हम भक्ति करेंगे अपना जो हमारा मन है ये मलिन मन है, क्योंकि ये मन अशुद्ध है, क्योंकि हमने कई जन्म लिए हैं आज से पहले भी, तो हम किस किस योनि में आके हमने कितने पाप किए हैं, तो ये मन में ढेर सारा आपका ये जो है ना एक पहाड़ बन चुका है, तो अब उन पापों को कैसे कर जाए, ये इतना आसान नहीं है कि हमने इतने सारे पाप किए और हर बार हम पाप करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, इस समय में भी कर रहे हैं, तो उसको काटने के लिए हम केवल हमें भक्ति करनी है, तो हम जिससे कि हमें ये पाप से हमें छुटकारा मिल जाए, अन्यथा क्या होगा, तो फिर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, बार बार कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जठराग्नि का कष्ट है फिर जन्म लेना फिर मृत्यु होना इज अ लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ ना, ये तो ये बहुत ही कष्टकारक है, क्योंकि जब माँ के कोख में बच्चा होता है उल्टा टंगा होता है तो उस समय भी जो बच्चा होता है वो प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान मुझे इस नरक से निकाल दे, मैं आपकी स्तुति करूंगा, मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूंगा, पर क्या होता है जैसे वो उसका जन्म होता है कुछ वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद उस बाद उसको आत्मा नहीं है जो माया होती है वो झटक लेती है, तो वह सब कुछ भूल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वह अट्रैक्ट हो जाता है इस मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज खुदगर्जी में लालच सब जो है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है आज के डेट में समझ लीजिए कि जो भी आज के डेट में सब परेशान है संसार में, तो रीजन क्या है, ये काम का जो प्रॉब्लम है, काम जो लस्ट है, तो उसकी वजह से सभी प्रॉब्लम में फंसे हुए, क्योंकि काम से क्रोध, क्रोध से मोह, लोभ, लोभ अहंकार, ईर्ष्या, मत्स्य, ये सारी बीमारियां उत्पन्न इसी से हो जाती है। अगर हम अपनी नीड्स, अगर हम ये सारे लालची चीजें नहीं रखेंगे, क्योंकि हम एनिमल्स हो जाते हैं एक दूसरे को, ईर्ष्या हो जाती है कि उसने इतना देखा देखी जो आलम है ना, उसके चक्कर में हम क्या है भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं हम सब भूल जाते हैं कि हम जो संसार में आए किस लिए आए, तो हम केवल इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, ये मेटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन में फंसे रहते हैं, तो भौतिक विषयों के कारण हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। कलामी के लिए माफी चाहता हूँ, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, मेरे जहन में एक अहम सवाल उभरा, वो ये कि जब हम नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों को हम किसी भी कौम का मुस्तकबिल मानते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि आजकल के दौर में कहीं ना कहीं ये देखा गया है, मुख्तलिफ मजाहिब की जब हम बात करते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं, नौजवानों का कहीं ना कहीं वो ला ताल्लुकी का मामला है अपने मजहबी तालीमात के हवाले से, तो ये बताइएगा कि नौजवानों का अपनी रिलीजियस टीचिंग के साथ जुड़े रहना कितना जरूरी है उनकी अच्छी परवरिश के लिए और जिंदगी में वो बैलेंस कायम करने के लिए। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आजकल के जो नौजवान है ये हमारे फ्यूचर है, क्योंकि अगर आज के नौजवान अगर वो सही ढंग से नहीं समझेगी उनके जीने का जो मकसद है कि क्या है उनका जीवन का उद्देश्य, तो फिर तो वे फिर जो है उनका तो कोई फर्क ही नहीं फिर पशु और पक्षी में। आज की डेट में देखिए नौजवान देखे ना, हर बार आप किसी को भी देख लीजिए हर एक टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है, और बुरी आदत में मुब्तला, बुरी आदत में क्यों फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो अपने ग्रंथ नहीं पढ़े, हमारे जैसे भगवद्गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये सारे हमारे जो दिए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये सारे हैं स्क्रिप्चर्स है, ये तो कोई उनको पढ़ता ही नहीं है, तो बस देखा दिखावा के लिए कहते हैं जी हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जो भी व्हाटएवर, तो बट बेसिकली जो टीचिंग्स हैं भगवान की दी हुई हमारी, तो उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वे अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, उनका जो अपने का जीवन का जो उद्देश्य है वो सब भूल जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है वे मेटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन में फंस जाते हैं, तो बुरे कर्म बुरे आदतों में फंस जाते हैं, तो उसके कारण तो क्या होता है वह सब कुछ भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से जो जब हम बच्चे जैसे इसलिए कहा गया है कि
बचपन से ही बच्चे को भक्ति की तरफ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमारे देश में गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में बच्चों को लिया जाता था, गुरुकुल में भगवान भी स्वयं गुरुकुल गए, हमारे श्री कृष्ण भगवान भी गुरुकुल गए, भगवान राम भी गए, सभी गुरुकुल गए। तो एक सबक था कि सबको गुरुकुल जाना चाहिए, जैसे मदरसे हैं। इसी में क्या होता है कि बच्चे को वहाँ पर तालीम दी जाती है, अच्छे से उनको पूरा ट्यूनिंग की जाती है कि हमें आध्यात्मिक जो है उन्नति कैसे बढ़ जाएगी, तो सुपरिज्म जो हमारी नॉलेज है वो कैसे गेन हो जाएगी। अन्यथा हम आज के डेट में देखें ऑनलाइन का चक्कर हो गया तो बच्चे का भी बुरा हाल हो रहा है, तो बच्चे क्या कह रहे हैं वो सब मोबाइल में फड़े रहते हैं, अट्रैक्ट हो गए तो उसमें सारा गंद पड़ा पड़ा है मोबाइल में, तो क्या देखते रहते हैं वहाँ पे, या तो गेमों में लगे रहते हैं और या तो वो सब अनाज चीजें पड़ी रहती है, तो उसे क्या कहते हैं उनकी जो बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट हो जाती है और उनका जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है और भगवान से विमुख हो जाते हैं। उसके साथ साथ वे अपनी संस्कृति भी भूल जाते हैं, कैसे आदर करना चाहिए बड़ों का वो भी भूल जाते हैं और सब कुछ खत्म हो रहा है। ये ओवरऑल ऐसी ओवरऑल जो सिचुएशन आज के डेट में ये सब जगह हो रही है, तो ये बहुत ही क्या कहना, ये बड़ा ही मतलब कैसे तो वर्ष स्टेज चल रहा है ये अपने हमें, क्योंकि इसका जिम्मेवार कौन है, ये स्वयं माता पिता है, क्योंकि हमने माता पिता को ये खुद समझना चाहिए कि अगर हमें बच्चे को अच्छे शरीर सही से परवरिश देनी है, स्कूलों में भेजते हैं उनको, बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं, ये जो होते हैं बड़े बड़े, बड़ा बड़ा नाम, बड़ा बड़ा नाम इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे शोषण होता है, वहाँ सब क्या होता है, वहाँ पढ़ाई में केवल नाम के वो पैसे लेते हैं और कोई किसी तरह की कोई उनको आध्यात्मिक जो है शिक्षा नहीं मिलती है, केवल क्या सिखाया जाता है कि आपको कैसे पैसे कमाने और कुछ नहीं सिखाया जाता है। तो बच्चा क्या होता है उसका वही कंपटीशन रहता है कि मुझे कैसे पैसे कमाने हैं, पढ़ा लिखा के वो बाहर चला जाता है और पीछे भूल जाता है कि उसकी संस्कृति जी के उसके माँ बाप को उन्हें क्या है, तो उससे क्या होता है तो वह सब कुछ अपना जीवन का उद्देश्य भी भूल जाता है, तो उसे कोई फिर वो दिलचस्पी नहीं रहती है। तो इसलिए हमें समझना है कि हमें बच्चों की जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको शुरू से बचपन से उनको ग्रूम करना है कि हमें कैसे भक्ति करनी है। आप जी हम आपको रोकने की गुस्ताखी कर रहे हैं, हम पर चूंकि कई सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और मुकर्रर वक्त होता है चीजों का, तो फिलहाल के लिए जो है हमें कहा जा रहा है कि हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए, वक्फे से लौट कर आएंगे तो अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और हमारे आज के मेहमान के साथ इस अहम मौजू पर बात जारी रहेगी। आप देखते रहें हमारा आपका हम सबका पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो बिल्कुल सही, गुड मॉर्निंग जे एंड के। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले तीन सालों से वादी कश्मीर में वरदान आईवीएफ सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे एंड के। और नाजन आज हम जन्माष्टमी मुबारक के हवाले से आज के मेहमान अभिमन्यु दास जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर है इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजना में से एक खबर, सेक्रीफाइस सर्विस स्पिरिचुअलिटी सोसाइटीज फाउंडेशन LG सिन्हा एड्रेसेस SMVGS फाउंडेशन डे गुरुकुल्स एनुअल डे सेलिब्रेशन। जी मकामी उर्दू रोजनामे की सुर्खी सुनिएगा, बदनवानी से पाक जम्मू कश्मीर, मौजूदा इंतजामिया का मिशन और अहम तरीन तरजीह चीफ सेक्रेटरी, करप्शन के मामले में किसी को कोई छूट नहीं, सभी लोग अपने हकूक के बारे में जाने ताकि किसी का इस्तेसाल ना हो, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, मुतलकीन के माबेन तावन, शोबे ज़राअत की तरक्की का जामिन, इल्म के इश्तराक और महारत की तरक्की के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी चीफ सेक्रेटरी। और एक सुर्खी सी अखबार की, श्रीनगर शहर को मजीद जाज़बे नजर बनाने के लिए इकदामात, डिविजनल कमिश्नर ने बड़ी सड़कों, दीवारों और सरकारी इमारतों पर पेंटिंग करने की हिदायत दी। जी एक और सुर्खी उर्दू रोजनामे से, G20 कॉन्फ्रेंस से भारत को नई मंजिल मिल गई, मोदी 2047 में मुल्क की तरक्की याफ्ता ममालिक में शमूलियत को यकीनी करार दिया।
जी नाज़रीन, उर्दू अखबार रकम दराज है और सुर्खी जो है, हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम के बानी विक्रम साराबाई 1943 में कॉस्मिक शाओं का पता लगाने का मिशन लेकर गुलमर्ग पहुंचे, रिसर्च लेबॉरेटरी कायम की। और एक सुर्खी सी अखबार की, बैक वक्त इलेक्शन कराने का मामला, वजीर दाखिला और वजीर कानून की पैनल सरबराह से मुलाकात। जी मेरे पास है आखिरी अंग्रेजी रोजनामा, इस पर एक खबर शाया हुई है, जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन मेकिंग रिलेंटलेस एफर्ट्स टू ब्रिज हेल्थ गैप एलजी। एंड वन मोर न्यूज, दिस समर स्वेल्टर वॉज अ ग्लोबल रिकॉर्ड ब्रेकर फॉर हाई हीट एवर मेजर्ड मेट्रोलॉजिस्ट से। जी अंग्रेजी अखबार की दो सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं, बल्कि तीन सुर्खियां इस अखबार की जिनका हमने इंतखाब किया है। सिकिम्स कंडक्ट्स कॉन्फ्रेंस ऑन मॉर्बिड ओबेसिटी। और एक सुर्खी, फेसलिफ्ट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अलॉन्ग मेजर रोड ऑर्डर्ड। और बॉटम स्प्रेड में एक तवज्जो तलब खबर की सुर्खी, ऑल्दो इंट्रोडक्शन ऑफ ई रिक्शाज हैज फाउंड वाइड एक्सेप्टेंस अमंग पब्लिक, येट सस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टर्स नीड सीरियस ऑफिशियल अटेंशन। ये थी अखबारात की सुर्खियां, हमारे प्रोग्राम का अहम हिस्सा। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक मारूफ रिलीजियस स्कॉलर से। जी सर, हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे करंट सिचुएशन के बारे में, लेकिन हम आपसे इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि लॉर्ड कृष्णा की जब पैदाइश हुई उस वक्त कैसे हालात थे समाज में। ये कहा जाता है कि ही वॉज बॉर्न टू किल द इविल, प्लीज इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस टाइम भी उनका जो आना भी था, तो वो एकदम जो उनके जो स्वयं जो मामा थे कंस जो थे, वो बहुत ही राक्षस टाइप का स्वभाव था, तो वो बहुत ही उन्होंने अत्याचार किए थे, उनके माता पिता पे भी किए, तो वो दृश्य था कि वो बहुत अत्याचार करते थे। तो इसलिए और भी कई तरह के छे थे वहाँ पे, कई सारे थे राक्षस वगैरह थे, बहुत सारे एक तरह के राक्षस वगैरह थे, तो वो भी काफ़ी अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर। तो उनका जन्म ही इसलिए था कि वह, क्योंकि जब नाश होता था उनका, तो फिर वह जन्म लेते हैं बार बार, तो ये अवतारी है भगवान श्री कृष्ण, तो जन्म लेते हैं बार बार इस धरती पे। तो जैसे त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी आए थे, तो फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण आ गए, तो फिर कलयुग में भी अब आएंगे भगवान। तो इनका जो रूप था जो है, जो चैतन्य महाप्रभु भी आए थे भक्त बन के, उन्होंने हमें भक्ति सिखाई थी हमें आज से 500 वर्ष पहले नवद्वीप मायापुर धाम में। तो सब जब सब धर्म का हानि होती है, तो ये सब हानि होती है, तो फिर भगवान जन्म लेते हैं, तो इन सबका राक्षसों का विनाश करने के लिए, तो ये हमेशा होता रहा है। जी हम अक्सर देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा की जो पिक्चर है उस पे उनके हाथ में हमेशा फ्लूट रहती है और सर पे वो पीकॉक का फेदर, उसके बारे में बताइए। तो वो हमेशा ही वो जो उनका जो धुन होती है उसमें वो धुन में रहते हैं क्योंकि वे बहुत ही नटखट भी होते हैं, बहुत ही उनका जो मिजाज है बहुत ही जंजल टाइप का रहता है, तो वो हमेशा फ्लूट्स जो है बजाते रहते हैं, और मोरू से उनका काफी लगाव था, मोर पंख भी उनके हमेशा मुख पे लगा रहता है। अच्छा ये देखिएगा, जब हम अपने बचपन की बात करते हैं, हमने कई ऐसी सीरीज देखी है टेलीविजन पर जिसके लिए हम दूरदर्शन के मरहूनी मिन्नत है, जिनसे हमें अपनी रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में मालूम होता था, या हमारे मुख्तलिफ जो मजाहिब हैं उन मजाहिब ने जिन अजीम शख्सियात को पैदा किया या जिन अजीम शख्सियात ने उन मजाहिब का दर्स लोगों तक पहुँचाया। तो आप समझते हैं कि आजकल के दौर में भी उस चीज़ की रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, और वैसी सीरीज वैसे ड्रामे जो है दोबारा टेलीकास्ट होने चाहिए, नशर होने चाहिए लोगों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जो प्रश्न किया है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का जो दौर चला है ये कलयुग है, इस कलयुग में क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें जो पाप बढ़ रहे हैं आपस में क्या होता है, इतना सारा तनाव हो रहा है, तो आदमी एक दूसरे के प्यासे हो जाते खून, क्योंकि ये वास्तव में हो रहा है और होता ही रहेगा, क्योंकि ये कलयुग जो है ये बहुत ही कमजोर, मतलब इसमें पाप होंगे, तो इसलिए हमें इन पापों से अगर बचना है तो हमें क्या करना है, भक्ति की तरफ बढ़ना है। जितना हम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे और अपने आप को शुद्ध करेंगे, क्योंकि हम अशुद्ध है, कि जब हम अपने आप को शुद्ध करेंगे तब हम इन पापों से, इस कलयुग से, इसको जो कलयुग का प्रकोप है इससे हम बच सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने जो हमारी जो स्क्रिप्चर्स है, हमारी जो भगवद्गीता है, भागवतम है, तो ये सारे जो हमारे ग्रंथ है, उसमें सारे कुरान आ गए, बाइबल आ गए, सारे जितने भी हमारे भगवद्गीता है, तो सारे इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है अच्छे से, तो इसको समझना है, क्योंकि इसमें हमें सारी जो हमारी जो समस्याएं हैं सबका हल इसमें दिया हुआ है, तो तभी हम इस कलयुग के प्रकोप से बच सकते हैं। अन्यथा हमारी गति क्या होगी, हम भी एक जानवर की तरह बन जाएंगे, हमारे और जानवर इन पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। इस तरह का ये युग जो है, अभी इसमें बहुत समय है, 4,27,000 वर्ष का ये जो कलयुग है, इसमें तो अभी बीता ही खाली 5,000 वर्ष ही बीते हैं, तो अगला जो दौर होगा वो बहुत ही घनघोर दौर होगा, इसमें बहुत ही मारामारी होगी, अफरा तफरी होगी,
एक आदमी एक दूसरे को खाने के ऊपर तरस पड़ जाएंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने अपने आप को बचाने के लिए केवल भक्ति करनी है, उसी से हम बच सकते हैं, अन्यथा हमारा बचना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि तो कोशिश जो समझा एक कोशिश शेरन से इमिच अकैसी बड़ खूबसूरत अंदाज इत पट कर्म से इंसान चवान त्रेश कन इंसान सुंद खून इंसानियत रोजम इंसान कलन रोज बिल्कुल जरूरत अम कथि पज पे तुम वनान जिंदगी हंद मामलातन मे तथा आवर गुन अत कवजू जि क्या मे सिर्फ पन्ने खत जिंद रोजन जन मन हमसाय जन मन रिश्तेदार जन मन दोस् इन अगर मे कुछ जाए जरूरत है क्या मेना यह जिम्मेदारी बनान जो कर इन मदद अगर कह परेशानी मं क्या मे सिर्फ मे जिम्मेदारी ये मेरे घर में अगर बर्ज चोर आई टू टेक केयर ऑफ देम ओनली ये ना मे जिम्मेदारी अगर मन हमसाय परेशानी मन दोस् परेशानी ये भी बहुत अच्छा आपके सवाल की जैसे ये क्या हो रहा है आज की डेटस में सारी खुद बड़ बार प्रॉब्लम हम केवल अपना सोचते हैं अपना स्वार्थ बस मेरा बच्चा मेरा बंगला मेरी बीवी मेरा घर बस उसके बारे में हम सोचते हैं और उनके बारे में भाड़ में जाने कोई मतलब नहीं है पर ये बहुत ही गलत है अगर हम अपना केवल स्वार्थ सोचेंगे स्वार्थ के बारे में सोचेंगे उससे हमें जो ऊपर वाले भगवान हैं वे कभी भी खुश नहीं होंगे क्योंकि वे उनके लिए सब बराबर है क्योंकि उनके लिए एक छोटी चींटी भी उतनी है जो जैसे हम हैं क्योंकि सबके हृदय में भगवान बसे हैं खुदा बसे हुए हैं चाहे वो छोटी चींटी चाहे हाथी हो चाहे हम हो वे सबको एक बराबर है तो हम क्या सोचते हैं कि बस मैं हूँ मेरा परिवार मेरा बंगला मेरा बीवी बस हम केवल धन बटोरने में लगे हैं अपनी इंद्रिय तृप्तियों करने में लगे रहते हैं और हमें किसी चीज़ से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है इस वजह से क्या इस वजह से हमारे अंदर कामना क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है भगवान भी हमसे विमुख हो जाते हैं दूर हो जाते हैं तो मैं समझता है अरे ये मनुष्य जीवन मैंने उसको दिया किसके लिए दिया हमने उसको भक्ति इबादत करने के लिए दिया और ये मूर्ख क्या चीज़ करने में लग गया ये तो बिल्कुल ही ऐसा तो वो फिर उसमें आफात फिर हमें क्या आती है दुविधाएं आती है तो जैसे अभी देखिए आप कोविड आ गया कोविड क्या था कोई उसको बचा सका बड़े बड़े से बड़े साइंटिस्ट बड़े से बड़े डॉक्टर इतनी लीडिंग कंट्री जो थी पूरे वर्ल्ड में जो मेडिकल में नंबर वन थी वो भी अपने आप को बचा नहीं सकी तो ये क्या था ये हमारे लिए सबक कुछ तुम्हें इतना अहंकार आ चुका है अब तुम थोड़ा नीचे आ जा झुक जा देखने लायक बात है कि हम शायद फिर भी ना संभले फिर नहीं संभल रहे हैं अब सोच रहे अरे नहीं मैं तो बचा हूं अभी तो मेरे जो है पड़ोसी जा रहे हैं मेरा वो जा रहा है मेरा रिलेटिव जा रहा है पर मैंने तो यही रहना है मुझे धन कमाना है धन बटोरना है और मेरा जो है इंद्रिय तृप्ति में रहना है और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में समाज में है इसीलिए हमें क्या हो रही है ईर्ष्या हो रही है ईर्ष्या बढ़ रही है ये सब चीजें बढ़ रही है हम अपने आपस में हम प्रेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुदरत भगवान जो है वह तभी प्रसन्न होंगे आपसे आप कितनी भी इबादत कर लो कितनी भी पाठ पूजा कर लो मस्जिद जाओ वो करो नमाज पांच बार पढ़ लो तम सुच नु जहीन ख्वाज के साथ सुच केवल ख्वाज के साथ पान वही प्यार थी मोहब्बत थी पान वही वो सबके प्यारे वो सबके हृदय है वो तब देखता है कि ये मेरा बंदा है ये मेरा असली बंदा है जो दूसरों के बारे में सोचता है दूसरों को प्रेम करता है दूसरों को मोहब्बत करता है प्रेम देता है तो ये मेरा असली बंदा है तो इसलिए मैं इसका जो भी है इसका जो है इसकी मैं सारी मनोकामना पूरी कर दूंगा अन्यथा फिर आप उनकी नजर में कभी नहीं रहेंगे वो तो एक बेकार है सब जी बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि हमें खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में भी हमेशा सोचना चाहिए जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि आज के दिन पर कई सारी जगहों में दही हांडी भी ऑर्गेनाइज की जाती है बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बारे में अगर बताएं भगवान श्री कृष्ण तो माखन चोर थे शुरू से जब वे पैदा हुए थे वे माखन चोर थे क्योंकि माखन जहाँ भी होता था यशोदा माता यशोदा माता जो थी वह भी जो भी घर में होता था घर में क्या वो पड़ोसियों के ज्यादा जो होते थे वो पड़ोसियों के यहाँ चोरी करते थे क्योंकि बहुत प्रेम था उनको माखन से दूध से दही से ये सब चीजों से वो प्रेम बहुत लगाव था तो अपने यार अपने जो उसके थे प्रेमी जो दोस्त वगैरह थे तो उनको भी खिलाता था बंदरों को भी खिलाता था तो सब प्रेमी सब आ जाते थे सब उनका आनंद आता था मटकी फोड़ना ना वो नटखट थे तो मटकी फोड़ना चोरी करना तो उसमें उनको बड़ा प्रसन्नता होती थी वो एक खेल था एक्चुअली वो लीला करते थे उनको भी उनको वो अच्छा लगता था ऐसा नहीं कि वो फिर उनको पता चला था कि भाई ये स्वयं भगवान है तो ये तो हमें आनंद में से फिर वो खुद देते थे इतना लेके आते थे भर भर के वो बढ़ के आते थे और वो तब भी इतना उनके पास कमी नहीं थी उनके पास तो इतनी गाय थी उनके पास इतना माखन था सब कुछ होने के बाद भी पर उनको पड़ोसी के यहाँ से चोरी करने में आनंद आता था अच्छा ठीक अच्छा ये बताइएगा हमें कि अभी हम एक बड़े संजीदा मौजू पर बात कर रहे हैं कि अभी की सूरत हाल क्या है और इस सूरत हाल में जो मजहबी तालीमात हैं उनका क्या अमल दखल है ऐसे में और एक बहुत अहम बात आती है सामने वो ये कि जब हम सिलेबस की बात करते हैं जो कुछ हम किताबों के जरिए पढ़ते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं
उसमें एक बड़ा फुकदान आजकल नजर आ रहा है, वो है कि रिलीजियस टीचिंग्स का ख्याल नहीं किया जाता है। अखलाकियात की हम बात करते थे, जो हमने अपने बड़ों से बुजुर्गों से सुना है कि उनके लिए एक मखसूस मजमून होता था, एक सब्जेक्ट होता था अखलाकियात का। तो आप क्या समझते हैं कि उस तरफ भी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कूलों के साथ मुंसलिक इंतजामिया है, कि वो एक क्लास कम अज कम अगर 10 क्लासें बच्चे लेते हैं दिन में, एक क्लास उनकी इस किस्म की भी हो? बहुत सारी आपने ये चीज बताया, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो है परम पूज्य नरेंद्र स्वामी महाराज, वो भी यही कहते हैं, जैसे उन्होंने श्रील प्रभा जी के बारे में बताते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब वो गए थे बाहर यूएस में, तो वहाँ पे एक बोस्टन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा, बताया था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हर तरह के वो सेक्शंस है। जी जी, तो वहाँ पे वो हर तरह का सेक्शंस है ही है। तो जब वहाँ प्रभुपाद जी गए थे, तो वो इन्होंने ये पूछा कि आपने आत्मा का कोई सेक्शन पाया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ है, हम तो एक आत्मा है ना, तो आपने यहाँ पे कोई उस चीज़ का कोई सेक्शन रखा है क्या? तो वहाँ पे सारे खाली, किसी को कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। भाई जब आप तो शरीर तो हो ही नहीं, आप तो एक आत्मा है, तो उसके बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं, कोई ज्ञान नहीं दे रहा बच्चों को, तो फायदा क्या है? ऐसी इतनी बड़ी आपने यूनिवर्सिटी तो बना रखी है, तो इसमें इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। तो यही हाल ओवरऑल हो रहा है, जितनी भी आप यूनिवर्सिटी बनाओ, जितनी भी आप इंस्टीट्यूशन बना दो, जितने भी आप स्कूल बना दो, जब तक आप बच्चे को आध्यात्मिक उन्नति के बारे में नहीं बताओगे कि आप क्या है, आपका क्या उद्देश्य, आप किस लिए आए, आपका क्या आगे होगा, तब तक ये सब वेस्ट है। क्योंकि आप तो उनको तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, पैसा इतना जोर से ले रहे हो, पर उनकी जो है केवल भौतिक दृष्टि से ही उन्नति होती है। अच्छा, आपको मालूम है अभिमन्यु जी, इस पर हमारे शायरी मशरक अलामा इकबाल ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, जबान से आम है वो, कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। इस दिलचस्प मौजू पर मजीद बातें होंगी, लेकिन फिलहाल एक एहतमाम है, खास किस्म का एहतमाम है, इसमें आपकी भी बड़ी रुचि होगी, तवज्जो होगी इस पर आपकी भी, कि जब हम तालीम की बात करते हैं, आजकल के दौर की अपनी जरूरियात है, तकाजे हैं इस दौर के अपने, तो उन तकाजों को किस तरह पूरा किया जा सकता है, उस पर मबनी होता है हमारा ये खास सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन। और गुड मॉर्निंग एजुकेशन में आज हमारे दोस्त डॉक्टर तारिक मरगूब क्या कुछ लेके आए हैं, आइए देखते हैं इस सेगमेंट में, उसके बाद मजीद बातें होंगी आज के प्रोग्राम में, देखते रहें गुड मॉर्निंग जे एंड के। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे कि हम कभी कभी अक्सर लोग हम प्रीजज करना शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज़ सिचुएशन हमारे साथ आती है तो हम अपना डिसीजन ले लेते हैं, मुझे तो पता है ये ऐसे है, और अपना थोप देते हैं, हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वही चीज़ हम अपने बच्चों के लिए भी करते हैं। आप देख लीजिएगा, कभी कभी हमें बहुत बाद में पछताना पड़ता है कि मैंने क्यों नहीं देखा कि ये बच्चा आज परेशान है, आज इसने स्कूल में देखेगा टीचर, कभी कभी ये देखते इसने काम क्यों नहीं किया, तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, ये तो देखिए उसके पीछे क्या है, या बच्चा आज क्यों नहीं करना चाहता काम, तो उनके साथ वो रिलेशनशिप डेवलपमेंट टीचर्स के लिए भी, वो उसको कहते हैं पेडोगॉजी, वो आनी चाहिए। जब बच्चे को हम गोद में उठाते हैं तो हम नीचे खुद आ जाते हैं, उस लेवल पर आइएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एम्पैथी डेवलप कीजिएगा अपने में, ये टीचर्स हों या पेरेंट्स हों। आप देख लीजिएगा, एक बाप घर में किचन में बैठा है, बेटी स्कूल से आई, बड़ी छोटे से पापा को दिखा के बड़ी परेशान सी है, तो कहा क्या हुआ, कहा मेरी एक दोस्त से लड़ाई हो गई, आज मेरा कुछ भी नहीं, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ गया, मैं नहीं जाऊंगी उस स्कूल, मुझे स्कूल से जाना, तो वो कहता ठीक है बेटा, मैं सोचिए देखिए ये होती है, कहता कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए देता हूँ, तो वो एक इसमें पतीले में बॉइल करता है पानी और उसके साथ आलू, बच्ची कहती है आलू मैं नहीं खाती, आलू आलू चलो मुझे नहीं खाता, बच्चे कहते ठीक है ठीक है, अंडे अंडे इसमें अंडे डाल देते हैं, अब अंडे डालने के बाद वो कहते हैं अच्छा मुझे ये नहीं खाना, तो बच्चा उसकी भी और दूसरे पतीले में पानी डाल के उसमें कॉफ़ी बीन्स डालता है, और जैसे कॉफ़ी तैयार हो जाती है तो इस लड़की की माँ पीछे से मेरे लिए भी लाना मेरे कमरे में कॉफ़ी, तो वो कहता है ठीक है बेटा चाहिए कॉफ़ी, अब मैं आपको बताता हूँ, कहता है देखो आलू जो है आपको पहले तो सख्त होता है, आप देखो आपका नेचर भी है, लेकिन जब भी कोई क्लेमिटी आती है, जब भी कोई टफ सिचुएशन आ जाती है तो ये बिखर जाता है, अंडा जो है अंदर से नरम होता है, लेकिन जैसे उसके बाद भी वही सिचुएशन आ गई तो अपने आप को मजबूत अंदर से करता है, लेकिन जो कॉफ़ी है जो पानी में गई तो उसने पानी को अपना जैसा बना दिया और महका दिया और उसमें को अपने रंग में डाल दिया पूरे उसको, अब आप देखिए आपकी माँ दूसरे कमरे में थी तो महकने, तो आप भी महक सकते हो बेटा, आप देखो आप कॉफ़ी हो या अंडा हो या आप आलू हो, कि पहले सख्त तो दिखोगे लेकिन अंदर से आप
फुसफुसे हो जाते हो, जैसे कोई सिचुएशन तो बुरी आ जाएंगे, कभी भी हाथ सिप्स आ जाएंगे, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। आपको कॉफी जानना है कि आप कॉफी बनना है, कॉफी मतलब अपने काम से दूसरों को महकाओ, अपने काम से, वो चाहे आप डिपार्टमेंट में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे क्लास में हो, चाहे घर में हो, जो काम आप करोगे लोगों तक आपकी वो जो आनी चाहिए, महक आनी चाहिए कि ये बच्चा है, ये बच्चों को भी कराया जा सकता है, जिस तरह के वर्कशॉप्स किए जा सकते हैं, ये बच्चों में ये इनकलकेट किया जा सकता है, बेटा गिरना नाकामी नहीं है, गिर के ना उठना नाकामी है, बेटा यू आर स्ट्रांग, आप कर सकते हो, वो अप्रिसिएशन दीजिए, वो एक्सपेक्टेशन बढ़ा दीजिए, ये कराया जा सकता है। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे एंड के। वेलकम बैक, आप देख रहे थे गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसे पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट के लिए, जो कि आज बात कर रहे थे रिगार्डिंग हार्डशिप एंड हाउ वी कैन हैंडल हार्डशिप इन आवर लाइफ। खैर नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं अभिमन्यु दास साहब, जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं। इनसे मजीद बातों का सिलसिला उससे जारी रखेंगे। सर, हमें ये बताइएगा कि आज दिन में आपने कौन कौन से एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स का अहतमाम किया है? तो जैसे कि आज हम सवेरे से ही, मतलब रात से ही, जो हमारे भक्त लोग हैं सारी ड्यूटीज़ है तो उठे हैं, जगे हुए हैं, रात को हम कहेंगे 2:30-3 बजे से ही जगे हुए हैं, तो तैयारी कर रहे थे। जैसे हमारी शुरुआत 4:30 बजे मंगल आरती से हुई है, उसके बाद फिर हमारे जो है जपा रहता है, जप टाक जैसे जप हम करते हैं तो वो रहता है, जप के साथ साथ फिर हमारी दर्शन आरती होती है करीब 7:30 बजे की रहती है, जिसमें भगवान को भव्य अच्छे ढंग से साया जाता है, बड़ा सुंदर दर्शन होते हैं उसके। तो उसके बाद गुरु पूजा होती है हमारी, तो उसके साथ फिर हमारा जो है आज बड़ा महत्वपूर्ण शोभा यात्रा यहाँ पर निकलने वाली, जो भव्य शोभा यात्रा है, क्योंकि यहाँ पहले कश्मीर में हालात थे, उससे पहले यहाँ पे निकलती थी जो धर्म सदम दोष नहीं रहे थे, जल सोच नहीं रहे थे, बोर्डपार भव्य जल सोच, तो हर मंदिर की जो होती थी वो जांघें निकलती थी यहाँ पूरे शहर में। तो ये दौर फिर बीच में गैप हो गया था, तो जो यहाँ पे अब इस्कॉन जो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसने ये ले रखा है, इसका जो है जिम्मा ले रखा है कि पिछले 16 साल से हम ये भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निकालते हैं, रामनवमी भी निकालते हैं हम, तो हर साल ही निकलती है, बड़ी धूमधाम से निकलती है। आज भी ये 11 बजे यहाँ से निकलेगी हमारी, काटलेश्वर मंदिर जो हमारा जिंदरमला टंकीपोरा से है, तो वहाँ से हबागदल से होके फिर ये करालखड़, करालखड़ से किसी बरबरशा, बरबरशा से फिर ये जाएगी एक्सचेंज रोड, एक्सचेंज रोड से होके रिवल रिवल एरिया जो है रेजेंसी रोड, रेजेंसी रोड से फिर ये लाल चौक घंटाघर, वहाँ से फिर हरी सिंह हाई स्ट्रीट, हरी सिंह हाई स्ट्रीट से फिर ये वापस आएगी डीसी ऑफिस से होते हुए वापस अपना काटलेश्वर मंदिर जो है जंदरमला का, उसके बाद सबके लिए जो है भंडारा प्रसाद होगा, जो आज व्रत, आज सबका फास्टिंग है, तो उसी का जो फास्टिंग प्रसाद होगा सबके लिए है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी, हमारी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस का हम तो समझ रहे हैं कि आज हज़ारों में हमारी तादाद में आएंगे डिवोटीज यहाँ पे, तो दूर दूर से आ रहे, काफ़ी कमिटमेंट्स भी है, काफ़ी हम लोगों का पिछले, हम कहेंगे कि पिछले एक दो महीने से हम इसी पे लगे हुए फोकस कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, तो सबको इस दिन के लिए निमंत्रण दिया हुआ है, सबको इन्वाइट किया हुआ है, काफ़ी जो भी यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ थे, ऐसा यहाँ पे है कि हमारा यहाँ पे काफ़ी ब्रदरहुड भी है, ऐसा नहीं कि जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं तो उसमें भी इसमें शरीक होते हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो वो भी इस फेस्टिवल को काफ़ी एंजॉय करते हैं और इसमें भाग भी लेते हैं, तो उनकी तरफ से भी काफ़ी हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है। मादियत का दौर कहते हैं, और मादियत के इस दौर में जो हमारी अपनी वो चीज़ें हैं जिन पर हमें फ़ख्र हुआ करता था, ये फ़ख्र है, उनको किसी हद तक कायम दायम रखा गया है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका होगा कि जब हम ऐसे त्यौहारों की बात करते हैं, जिस तरह आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले आपके त्यौहारों में मुसलमान भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, और मुसलमान भाइयों के त्यौहारों में आप या दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, क्या वो रिवायत अभी भी कायम है या आप उसमें समझते हैं कि कुछ कमी आ गई है? नहीं, बीच में जैसे ये समझते हैं क्योंकि टर्मोइल की वजह से थोड़ा सा ये रहे, क्योंकि हम यहाँ पे रहे नहीं, अब हमारे कश्मीरी बरादरी के जो लोग हैं तो यहाँ पे रहे नहीं, तो मेयर जस्ट कुछ थोड़ा सा ही है, तो इस वजह के कारण तो यहाँ का जो वो था, जो पहला जो सिचुएशन था वो गैप हो गया, तो उसके कारण क्योंकि हम सोच रहे थे कि जैसा जो पहला जो मंजर था तो उस टाइम कैसे एक ब्रदरहुड था मिलजुल के, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे थे, हम लोग भी काफ़ी थे यहाँ पे, तो एक तरह से जॉइंटली एक हो जाता सारा। तो अब हम यही आज के दिन में हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान से, भगवान यही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा इस तरह का फिर से आ जाए, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है कि जो हमारी जो एक तरह की जो थी कश्मीरियात वो मौजूद है, ऐसा है वो बिल्कुल मौजूद है। आज के डेट में आप देखिए आज शोभा यात्रा निकल रही है, तो आज भी जो हमारे ब्रदर्स हैं, मुस्लिम ब्रदर्स हैं, जो ब्रदरहुड है, वो भी उसके साथ शरीक करते हैं, वो भी उसमें भाग लेते हैं। बहुत अच्छी पर पहले जैसा जो है वो उसमें थोड़ा कम है,
तो बट आगे हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, यही प्रार्थना आज के दिन में करते हैं कि ये काफी जोर शोर से हो जाए कि हमारी जो संस्था है जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसमें हम किसी तरह का किसी से कोई मतभेद नहीं करते, इसमें हमारे हर सेक्स के लोग हैं, ऐसे नहीं इसमें क्रिश्चियंस भी, हिंदूज भी है, मुस्लिम भी है, सब तरह के, कोई किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है, तो एवरीबडी इज इन दिस रिलीजन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, बहुत अच्छी, बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात। और प्रोग्राम के आगाज में प्रभुपाद जी का ये संदेश भी, क्योंकि प्रभुपाद जी हमारे जो है ये फाउंडर आचार्य इस संस्था के हैं, उन्होंने काफी कष्ट उठाए, तो उनको तो यहाँ पे पहले इतना उतना वो मिला नहीं जो इतना मिलना चाहिए था, उनको यहाँ पे जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, तो फिर वो विदेश चले गए 70 वर्ष की आयु में, उन्होंने वहाँ पे जो हिप्पी थे, जो अंग्रेज थे वहाँ पे, जो गोरे थे, तो उनका जो जीवन होता है वो कुत्ते बिल्ली की तरह जीते हैं, तो उनको उन्होंने हैप्पी बना दिया, वो सब कुछ छोड़ के हमारी संस्कृति में जुड़ गए, तो आज की डेट में वो हमसे ज़्यादा समझते हैं, वो आज के डेट में वो सनातन धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, और के साथ साथ बाकी जो मजहब के जो वर्ग के लोग हैं वो भी इस संस्था में जुड़े हुए, क्योंकि इसमें हम केवल ये नहीं कि कोई कट्टरपंथी तरह का कोई कुछ नहीं है, केवल हम समझाते हैं कि आपको कैसे अपने आप को जीना है और कैसे आपस में प्रेम करना है जिससे कि आपकी भगवत प्राप्ति हो और भगवान के धाम चले जाए। यही हमारे शरीर से हुंच शक्कर दुत मुस्लिम साफ साफ दुत बेशक्कर रलयु पानवई न्याय त्रयु माय थयु पानवई पोज मोहब्बत बगरयु पानवई अजकिस दोहस पेट इम किस्मक पैगाम सन वचन वालन तामत वातनाउन तो खास कर नौजवान तामत वातनाउन अच वरिया रिलेवेंस अच इंपॉर्टेंस वरिया ज्यादा अच्छा इस आज कोशिश मन जिम जन सन नव निहाल छ बच छ कम फहम छ मगर पनन यूजन मजहबी तालीम छ सो गसे मन तामत वातने स्कूल पेट यवा पत कोशिश करान जिम गस दरसगा गसन मौली सबस नि पढान कुरान पनुक तरीक क्या छ कुरान पच पर इथे पड लिस तोंदे मजहब बिल्कुल। इसमें इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस जो हमारी इस्कॉन जो है इसमें उसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, स्पेशली जैसे हम जेएनके की बात कर ले, जो हमारी रियासत है उसकी बात करें तमिल जगह का, तो हमारा गुरुकुल है यहाँ पे उधमपुर में, बहुत बड़ा भव्य गुरुकुल है जिसमें हमारे 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें उनकी जो है सब फ्री ऑफ एजुकेशन है, कोई उनके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, उनका रहने पीने खाने का ड्रेस वगैरह जो भी उनका जो खर्चा है तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब कृपा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से, वो आज से नहीं कितने वर्षों से वो चल रहा है, और उसमें जो हमारे जो बच्चे निकलते हैं वो आगे बढ़ के फिर वे आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो जाती है, और उसके साथ साथ उनका जो खर्चा होता है आगे अगर वो हायर स्टडीज भी करना चाहते हैं, उसमें से हमारे कई इंजीनियर भी निकलते हैं, कई डॉक्टर भी निकलते हैं, और भी कोई अगर हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको वो काट ले भाई आपको खाली यही मजहबी तालीम देनी, उनको साथ साथ वो भौतिक शिक्षा भी मिल जाती है, वो क्या करते हैं फिर आगे डॉक्टर बनके फिर वे आगे सेवा ही सही बात कर लोगों की खिदमत करेंगे, उसमें ही सेवा कर लेंगे, तो ये बड़ा दिव्य योगदान है। उधमपुर में हमारा भव्य मंदिर भी है, तो हम यही सबसे आग्रह करते हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह अपने बच्चों को वहाँ पे तालीम के लिए भेज सकते हैं, तो उनको वहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, तो वह उनको अच्छे संस्कृति मिल सकती है और अपने संस्कार मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये सब प्रभुपाद की कृपा है, हमारे करम पूज नवेंद्र साई महाराज की कृपा, कितने वर्षों से चल रहा है। ये भी बताएगा कि इसमें दाखिला कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया रहता है? वो इसमें क्राइटेरिया नहीं है, जो वहाँ पे उसके लिए क्या कहते हैं उसका जो है जो किस क्लास जो कक्षा में पढ़ता है उसकी जो डिटेल्स उनको भेजनी है, तो बाकी अनुमति उनसे होनी चाहिए जो माता पिता है कि भाई आप वहाँ पे आ सकते हो। हमारे तो कहीं थ्रूआउट इंडिया के बच्चे वहाँ पे आते हैं, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, पूरे कई क्षेत्रों से वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, तो बच्चे वहाँ पे इतने आनंद में रहते हैं, इतना मस्त होते हैं, सुबह इतने तीन तीन साल के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, अच्छा तो यंग एज वहाँ पढ़ते हैं, और सुबह सब 3 बजे उठ जाते हैं। अब आप देखिए बाकी जो हमारे बच्चे आप देखेंगे उनको उठता है सुबह 8-8 बजे 9 बजे तक सोते रहते हैं, तो यही फर्क है कि एक गुरुकुल में बच्चे को पढ़ने से और जो आप डिसिप्लिन आ जाते हैं, तो वहाँ पूरे डिसिप्लिन बच्चे होते हैं, सुबह 3 बजे सब बच्चे खड़े होते हैं और वहाँ पे सुबह मंगल आरती में आ जाते हैं, उसके साथ साथ पूरा दिन वो एक्टिविटीज में रहते हैं, उनका जो होता है पूरा जो टाइम टेबल है वो पूरा चाकआउट किया जाता है, कब उनका सुबह का ब्रेकफास्ट होगा, सब उनका लंच होगा, डिनर होगा, और टाइम से वे फिर सो भी जाते हैं, और पूरा एकदम एक्टिविटीज के साथ साथ खेल कूद भी होता है, सारी चीजें उनको दी जाती है, तो एकदम एकदम जिसको कहेंगे ना वो अच्छे तरीके से उनको पालन पोषण किया जाता है, वो एकदम फिट हो जाता है बच्चा आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ। बहुत अच्छी बात। अच्छा दास जी, आखिर पर हमारे पास कुछ लम्हात हैं, एक दो मिनट होंगे, तो हम चाहते हैं कि इन 2 मिनटों में भी भरपूर तरीके से आप आज के दिन की अहमियत को मद्देनजर रखकर हमारे देखने वालों तक, खासकर युवाओं तक पैगाम पहुंचाएं।
आज के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ मंदिर जो है कार्लेश्वर मंदिर, ओवरऑल जितने भी मंदिर हैं तो युवा आते हैं। ये मैंने आपको जैसे प्रभुपाद जी यूएस चले गए तो वहाँ पे भी वही हाल था उस टाइम, तो वो वहाँ पे केवल क्या थे, वहाँ पे केवल वो चर्सी थे, गांजा सब बुरी हालत थे, तो वो सब उसमें नशे में चूर थे, सड़कों पर पड़े रहते थे। तो प्रभुपाद जी की इतनी कृपा थी, वह तो स्वयं एक अवतारी पुरुष थे, भगवान श्री कृष्ण के एक मैसेंजर थे वो, तो उन्होंने जाके वहाँ इतना कष्ट उठाया 70 वर्षीय आयु में, तो उनके लिए उन्होंने वहाँ पे प्रसाद बनाया, उनके लिए वहाँ पे वो आते थे उनको लेके, तो वहाँ पे उन्होंने फिर उनके लिए भजन कीर्तन करते थे, उनकी देख रेख करते, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि उन्होंने अपने भक्त के लिए वो फिर वो सब कुछ कृपा कर लेते, तो धीरे धीरे उनके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, एकदम जंगली थे वो, एकदम जिसको हम कहेंगे वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि इतना चेंज हो गया, तो वह फिर एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इतना आ गया, वो भक्त बन गए। तो यही रीज़न है, अगर हम यहाँ पे भी बच्चों को शुरू से अच्छे ढंग से उनको ट्यून कर दे, गाइडेंस करें कि आप अपने जो आपके जो है स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़िए, भगवत गीता है, कुरान है, सारी जितने भी हमारे मजहबी तालीम उनको दी जाए, तो वह अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है, उनके अंदर वह फिर वह इस तरह का ना वो एग्रेसिवनेस नहीं आएगी, वो तरह वह क्रोध, काम क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, चीजें, ये सब चीजें निकल जाएगी, तो वह एक अच्छा आदमी बन जाएगा, और एक आगे के लिए उसकी फैमिली के लिए भी, और जो आस पड़ोस के हैं उनके लिए, पूरे समाज के लिए एक उदाहरण मिल जाएगा कि बाकी में इसने ये तो उदाहरण है हमारे समाज के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारा समाज जो है ना वो एक शुद्ध हो जाएगा, सारा एक वातावरण शुद्ध रहेगा, उसके लिए सारे प्योरिटी आ जाएगी, तो उसमें फिर भगवान भी प्रसन्न है, सब प्रसन्न। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, मुमकिन होता तो कुछ और बातें करते, लेकिन बहुत सारी तफसीलात आपने हमें दी आज के दिन के हवाले से, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे हम विनती करते हैं कि हमारे नाजरीन को, हमारे दर्शकों को और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो बिल्कुल आज के दिन हम फिर से इस्कॉन कार्लेश्वर धाम की तरफ से, पूरे ओवरऑल जो हमारे इस्कॉन के जो मंदिर है सबकी तरफ से, हम आज फिर से अपने दर्शकों को और सारे धर्म प्रेमी हरिभक्तों, माताओं, बालकों और बालिकाओं और वैष्णव हमारे जो भी सीनियर सारी डिवोटीज हैं, उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान से यही आज के दिन प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्ति में लगे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और भक्ति करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि ये परमानेंट हैप्पीनेस है, बाकी सब टेम्परेरी है, क्योंकि ये सारा जो संसार है ये टेम्परेरी है, नश्वर है, इसमें हम अपने आप को ये समझते हैं कि ये हमारा परमानेंट घर है, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, हमें किसी भी टाइम यहाँ से लात मार के निकाला जाएगा, क्योंकि हमें हमारा जो असली घर है वो भगवान धाम है, तो उसी में हमने तैयारी करनी शुरू की, अंत में हमें केवल क्या है कि जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया वही भगवत भक्त बहुत धाम। थैंक यू सो मच हरे कृष्णा। नाजरीन आपकी बहुत शुक्रिया जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जर्नी के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम, मुझे और हिमेरा को दी इजाजत, हैव अ ग्रेट डे अहेड, अल्लाह हाफिज़। नासिर।